एक शहर के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक डाकू गब्बर रहता था। वो अपनी बीवी बसंती के साथ रहता था। उसकी बीवी के पास एक नेबला पिंटू था। बसंती उस नेबले को अपने बेटे जैसा प्यार करती थी। बसंती बहुत लालची औरत थी। उसे पैसे से बहुत लगाव था। वो उन पैसों से तंत्र मंत्र करती थी जिससे वो नेबला इंसान में बदल जाए। वो अपने पति को रोज बोलती थी कि सुनिए ना, आज आप थोड़ा ज्यादा माल लूट के ले आना। सुनो बसंती, मुझे पता है तुम इन पैसों का क्या करती हो। इस बेकार से नेवले को इंसान बनाने की कोशिश कर रही हो जो कि कभी हो ही नहीं सकता। फिर भी इतने पैसे जमा करने के अलावा वो फालतू के तंत्र मंत्र कर रही हो। क्या तुमने मेरे बेटे को बेकार सा नेवला कहा? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही बेटे की ऐसी बुराई करते हुए? बस मैं तंग आ चुका हूँ तुम लोगों के इस चिक चिक से। और फिर गब्बर वहाँ से चला जाता है और बसंती बदले की आग में जल रही होती है। एक बार मेरे बेटे पिंटू नेवले को इंसान बन जाने दो, तब बताऊंगी इस गब्बर को। अगले दिन गब्बर जब गांव वालों को लूटने जाता है तब बसंती बोलती है, अच्छा सुनिए, आज आप जिस भी गाँव को लूटने जा रहे हो वहाँ मेरे बेटे पिंटू को भी ले जाओ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक नेवला लूट मार कैसे कर सकता है? मैं नहीं ले जा रहा इसे। अरे तो क्या हुआ, अगर अभी वो लूट मार नहीं कर सकता अभी अपने साथ ले जाओ तो क्या पता ये तुम्हें देख देख कर सीख जाए कि लूट मार कैसे करते हैं। और जब मेरा बेटा इंसान बन जाएगा तब वो अच्छे से लूट मार कर पाएगा। तभी गब्बर गुस्से में बंदूक निकाल लेता है और बोलता है, बसंती इस नेवले को मेरी आंखों के सामने से हटा ले, नहीं तो मेरे हाथों बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? अपने बेटे को अपने ही हाथों से कौन बाप मारता है? इतने क्रूर आप कब से हो गए? असंती तो चुप हो जा, अब और बकवास करी तो। तो क्या गब्बर, क्या कर लोगे तुम? मुझे मारोगे? बताओ मुझे मारोगे क्या? गब्बर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ से गलती से बसंती पर गोली चल जाती है और फिर बसंती मर जाती है। तभी वहाँ वो नेवला आ जाता है और फिर गब्बर को काटने की कोशिश करता है। अबे हट सड़े से नेवले, निकल जा यहाँ से, चल जा। और फिर वो नेवला वहाँ से चला जाता है और घर के बाहर ठहर जाता है। जब गब्बर का गुस्सा शांत हो जाता है तब वो घबरा जाता है और बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या करूं मैं? फिर वो सोचता है कि अब मैं इस बसंती की लाश को यहीं घर के पास गाड़ देता हूँ। और फिर वो बसंती की लाश को अपने घर के पास ही गाड़ देता है। लाश को दबाकर जब गब्बर घर वापस जाता है तो वो बहुत गहराई से सोचने लगता है, अब मैं यहाँ जंगल में और नहीं रहूँगा, अब मैं शहर जाकर एक नई जिंदगी जीऊंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा, अब मैं इन लूटपाट के चक्करों में नहीं पड़ूंगा। फिर गब्बर सारा लूटा हुआ माल सोने जेवरात एक सोने में बंद करके बसंती की लाश के साथ दबा देता है और जंगल छोड़कर शहर चला जाता है। शहर में वो एक अच्छे काम की तलाश में लग जाता है और फिर थोड़े ही दिनों बाद उसे शहर में एक काम भी मिल जाता है। वो एक कागज बनाने वाली कंपनी में काम करने लगता है। वहीं दूसरी ओर वो नेवला बसंती की लाश के ऊपर जाकर बैठ जाता है और वहाँ बैठ कर बहुत रोने लगा। उसके आंसू टपक टपक कर जमीन पर गिर रहे थे। तभी वो वहाँ बसंती की आत्मा चुड़ैल बनकर प्रकट हो जाती है और नेवले को बोलती है, अरे मेरा बच्चा पिंटू, मेरा लाल, देख तेरी माँ कहीं नहीं गई, मैं वापस आ गई, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अब मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर घुस जाएगी और फिर हम और माल लूटेंगे। और फिर बसंती की आत्मा नेवले के शरीर में घुस जाती है। बसंती की आत्मा चुड़ैल बनकर नेवले के अंदर घुस जाती है तो वो नेवला बहुत भयानक दिखने लगा। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके नाखून बड़े और पैने हो जाते हैं। फिर वो चुड़ैल नेवला जंगल के बाहर आकर शहर जाकर आधी रात को लोगों के घर में रखे गहने और पैसों को चुराते रहते हैं। और फिर चुड़ैल नेवले से पूछती है, अरे पिंटू बेटा, मेरे मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने गहने वाली संदूक कहाँ रख दी थी? फिर नेवला उस तरफ इशारा करके बताता है जहाँ संदूक दबाई होती है और फिर वहाँ उसे गहने जेवरात से भरी संदूक मिलती है। वो नेवले के शरीर में घुसकर जितनी बार माल लूटने जाती थी वो सारा माल उस संदूक में डाल देती थी। चोरी करते समय जो कोई भी उसे देख लेता था वो उसको मार दिया करती थी।
ये चोरी चकारी वो एक महीने तक करते रहे। एक रात को वो नेवला थक कर सड़क के किनारे फुटपाथ पर अपने साधारण रूप में आकर वहां आराम करने लगता है और चुड़ैल किसी बड़े घर को ढूंढने चली जाती है ताकि कोई उन्हें देखकर डर न जाए। तभी वहां से एक गाड़ी जा रही होती है, उसमें एक छोटी सी बच्ची होती है नैना नाम की। जब वो गाड़ी वहां रुक जाती है तो नैना गाड़ी की खिड़की के बाहर देखने लगती है, फिर उसकी नज़र उस नेवले पर पड़ती है। वो गाड़ी में बैठे अपने पापा से बोलती है, पापा पापा मुझे वो जानवर चाहिए, देखो ना पापा। अच्छा, ऐसा कौन सा जानवर दिख गया तुम्हें, जरा मैं भी तो देखूं। अरे नहीं, ये तो नेवला है, ये जानवर अच्छा नहीं, ये बहुत खतरनाक जानवर है। नहीं पापा मुझे वही चाहिए, मुझे वो बहुत प्यारा लग रहा है। बेटा, अगर तुम पालने के लिए कोई जानवर चाहती ही हो तो हम कोई कुत्ता या बिल्ली ले आएंगे, पर ये नहीं। नहीं पापा, वो जानवर अच्छा है, मैं उसे घर ले जाकर सब सिखा दूंगी, वो किसी को नहीं काटेगा। अब तुम्हारी जिद के आगे कौन जीते, जाओ ले आओ उसे। थैंक यू पापा। और नैना उस नेवले को गोद में उठाकर ले आती है। नेवले को सब समझ आ जाता है कि वो लड़की उसे अपने घर ले जा रही है जहाँ और पैसा मिलेगा, इसलिए वो उसे काटता नहीं है। अरे बेटा, ये कैसा जानवर उठा लाई हो, कितना गंदा सा है ये। नहीं माँ, ये बहुत प्यारा है, मुझे इसे अपने साथ घर में रखना है। और आपने भी इसे रोका नहीं, ये नहीं कि उसे मना कर देते। अरे नैना की जिद के सामने पिघल गया। ऐसे ही तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इतने में नैना उस नेवले को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है और उसको अपने बगल में रखकर उसे प्यार से पुचकार कर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। जब सारे घर वाले अपने कमरे में सो जाते हैं तो नेवला मौका देखकर नैना के बगल में से निकलकर कमरे की खिड़की से कूदकर घर के बाहर आ जाता है और बसंती की आत्मा बनी चुड़ैल उस नेवले के शरीर में घुस जाती है और वो चोरी के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर नैना उन्हें लेकर आई थी वो एक नया शहर था और उस शहर में बहुत अमीर अमीर लोग रहते थे। अरे वाह, यहाँ तो बड़े अमीर अमीर लोग हैं, यहाँ तो बड़ा सारा सोना मिलेगा। और फिर वो लूटपाट करने चले जाते हैं। पूरी रात 6 घरों में चोरी करने के बाद सुबह होने का वक्त हो जाता है और फिर चुड़ैल नेवले के शरीर से निकल कर चली जाती है और वो नेवला अपने साधारण रूप में आकर नैना के घर में खिड़की के जरिए घुस जाता है और सारा चुराया हुआ धन नैना के बिस्तर के नीचे रख देता है। फिर वो नैना के बगल में आकर लेट जाता है। सुबह होने के बाद जब नैना सोकर उठती है तो उसे नेवला वहीं सोया हुआ मिलता है। फिर नैना नहा धोकर नेवले को भी नहलाने ले जाती है। नेवले को नहलाने के बाद वो पूरा दिन उसी के साथ खेलती रहती थी और फिर रात को नेवले को अपने साथ बिठाकर खुद सो जाती थी। मौका देखकर फिर नेवला खिड़की से कूदकर घर से बाहर आ जाता है और फिर चुड़ैल उसके अंदर घुस जाती है। फिर वो चोरी करने चले जाते हैं। यहाँ भी अगर उन्हें कोई देख लेता था तो वो इस इंसान को बेरहमी से मार देते थे। ये सब कुछ 10 दिन तक होने लगा। रोज किसी न किसी के मरने की खबर उस शहर में घूमने लगी। एक बार गब्बर उस शहर में आता है अपने दोस्तों से मिलने। उसी दिन रात को वो गब्बर अपने सारे दोस्तों के साथ घूमने जाता है। गब्बर और उसके सारे दोस्त जब एक सड़क पर घूम रहे थे तो वहाँ पर एक भयानक सा नेवला अपने मुंह में हीरे का हार दबाकर भागते हुए दिखता है। सारे के सारे दोस्त डर जाते हैं। गब्बर भी बहुत घबरा जाता है कि आखिर ये डरावना सा नेवला आया कैसे। और फिर पीछे से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर गब्बर और उसके सारे दोस्त इस घर में जाते हैं जहाँ से चिल्लाने की आवाज आई होती है। जब वो सारे दोस्त वहाँ पहुँचते हैं तो चौंक जाते हैं। वहाँ एक औरत का खून हो रखा था और एक आदमी उसकी लाश के पास बैठ कर रो रहा था और वहाँ शहर के कुछ लोग भी उसको देखने के लिए आए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया, इतनी बेरहमी से इनका खून किया है। देख भाई, इसके घाव को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगली जानवर ने इसे मारा हो। हाँ भाई, देखने से तो ऐसा ही लगता है। फिर गब्बर लाश के साथ में बैठे उस आदमी से पूछता है, अच्छा आप इनके क्या लगते हैं और आपने कुछ देखा था जिससे पता चले कि किसी जानवर ने ही इन्हें मारा है? मैं इनका पति हूँ। अरे जानवर नहीं था वो, बहुत भयानक डर
सामना, भूतिया नेवला था वो नेवला, और घर से एक हीरे का हार भी चुरा के ले गया। हाँ भाई जी, शहर में ऐसी हत्याएं और भी हो रहा है, और सभी का दावा है कि जो कोई भी मारा हुआ मिलता है उसके घर से सारा जेवर चोरी हो जाते हैं, और बाद में घर वाला इसे मारा हुआ मिलता है जैसे कि जानवर ने मारा हो। गब्बर ये बात सुनकर चौंक गया और वहाँ से तुरंत निकलकर उस नेवले को ढूंढने लगा। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त और कुछ शहर वाले भी आ गए उसका साथ देने के लिए। हो ना हो ये पक्का वही नेवला है जो मैं सोच रहा हूँ। गब्बर ढूंढते ढूंढते नैना के घर के पास आ जाता है और वहाँ उस नेवले के अंदर से बसंती चुड़ैल को निकलकर एक साधारण रूप में आते हुए देख लेता है, और फिर वो नेवला घर के अंदर खिड़की के जरिए घुस जाता है। गब्बर सब कुछ समझ जाता है। आप सब ध्यान से सुनिए, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि माजरा क्या है। बस आप सब सुबह यहीं इसी जगह मिल जाइएगा। अगली सुबह जब गब्बर और उसके दोस्त और वो सारे शहर वाले आ जाते हैं, तब गब्बर नैना के घर में सबको लेकर चलता है। वो नैना के घर का दरवाजा खटखटाता है और फिर नैना की मम्मी दरवाजा खोलती है। गब्बर नैना की मम्मी के पीछे खड़ी नैना के हाथ में बैठे नेवले को देखने लगता है और उस नेवले को पहचान जाता है। सावधान, आपके घर में एक खतरनाक भूतिया जानवर है, उसे जल्दी से घर से निकालिए। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ये नेवला कोई साधारण नेवला नहीं है। नेवले को जब पता चलता है कि उसकी पोल खुलने वाली है, तो वो चुड़ैल की दी हुई ताकत से चुड़ैल को बुलाता है और फिर चुड़ैल वहाँ आ जाती है। वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत डर जाते हैं। अच्छा तो तुम आ ही गए, मुझे मार कर तुम्हें चैन नहीं मिला जो मरने के बाद भी आ गए। तूने जितना भी शहर वालों का माल चुराया है चुपचाप उसे लौटा दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जा, क्या कर लेगा तू, तेरी शक्ति मेरी शक्ति के आगे कुछ नहीं। तभी गब्बर नैना के हाथ से नेवला अपने हाथ में ले लेता है और उसका गला दबाने लगता है। अगर तू सारा माल वापस नहीं लाई तो मैं इसको मार दूंगा। अच्छा ठीक है रुको मैं लाती हूँ। फिर चुड़ैल नैना के बिस्तर में से सारा माल ले आती है और गब्बर वो सारा माल शहर वालों को वापस दे देता है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम सबको मार दूंगी। चुड़ैल पूरे घर में अपनी शक्ति से आग लगाने लगती है। नैना की मम्मी नैना को गोद में ले लेती है। इस चुड़ैल को मारने का कोई तो समाधान होगा। जहाँ तक मेरा दिमाग चल रहा है इसका समाधान है, आप लोग जब तक इस चुड़ैल का ध्यान भटकाएं तब तक मैं आता हूँ। फिर गब्बर किसी की गाड़ी लेकर जल्दी से उसी जंगल की तरफ जाता है जहाँ उसने बसंती की लाश दबाई थी। वहाँ वो देखते हैं कि उसकी दबाई हुई संदूक बाहर निकली हुई है, पर उसमें लूटपाट का सामान अभी पड़ा हुआ है। गब्बर वो संदूक जला देता है और फिर तभी वो चुड़ैल गायब हो जाती है और सारे शहर वाले गब्बर का शुक्रिया करते हैं।